इन अवर प्रीवियस वीडियो हमने अपने पिछले वीडियो में अध्याय एक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 का जो है पहला सेवेंथ और 8th क्वेश्चन है वो सॉल्व किया था तो हमने सेवेंथ और 8th क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया था एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं तो 6 7th क्वेश्चन था अपना सॉल्व 56 डिवाइड बाय ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई 4 तो so, सॉल्व करना है हल करना है तो so, इसे हल करने का क्वेश्चन है तो हमें इसको सॉल्व किया था तो so, एक बार हम रीजन देख लेते हैं इसका किस प्रकार हमने सॉल्व किया था तो सेकंड क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन था 56 सिक्स डिवाइड बाई माइनस टू मल्टीप्लाई फोर तो पहले ऐसे सिंप्लीफिकेशन के मेथड से करेंगे कि सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर की संख्या को सोल्व किया जाता है सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाया गया फिर बड़े कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व किया था 2 को 4 से मल्टीप्लाई 2 4 8 एंड फिर जो है 56 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो 56 को 8 से डिवाइड करेंगे 56 डिवाइडेड बाय -8 सो इक्वल टू माइनस -7 जो इसके आंसर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना इसमें सेकेंड है सेरिया क्लाइम अप 5 स्टेयर एवरी सेकंड एंड देन क्लाइम डाउन 2 स्टेयर

हाउ मैनी सेकेंड विल सी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर हाउ मैनी यानी कितना सेकेंड यानी सेकेंड विल सी टेक यानी लेती है क्लाइम 60 स्टेयर सात सीढ़ियाँ चढ़ने में तो सात सीढ़ियाँ चढ़ने में वो कितना समय लेती है तो ये भी हमने सोल्व किया था तो हमने देखा कि प्रत्येक सेकेंड में वो फाइव सीढ़ी जो है ऊपर की ओर चढ़ती है फिर अगले सेकेंड वो 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं तो जो चढ़ने की है तो फाइव स्टेर ऊपर की ओर जा रही है फिर वहां से वापस टू स्टेप नीचे की ओर आ रही है तो इस प्रकार जो फाइव स्टेप ऊपर की ओर चढ़ रही है वो प्लस में रहेंगे और टू स्टेप वापस नीचे आ रही है तो उसको हम नेगेटिव जो है साइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस फोर माइनस टू प्लस फोर माइनस टू यानी पहले सेकंड में पांच सीढ़ियां चढ़ेगी अगले सेकंड में दो सीढ़ियां वापस उतरेगी फिर तीसरे सेकंड में वापस पांच सीढ़ियाँ चलेगी फिर चौथे सेकंड में वापस दो सीढ़ियाँ नीचे उतरेगी इसी तरह फिर अगले सेकंड में फाइव सीढ़ी ऊपर की ओर स्टेयर ऊपर की ओर चलेगी अगले सेकंड में जो है टू स्टेयर नीचे की ओर तो इस प्रकार हम देखेंगे कि फोर्टी सेकेंड में वो जो है फोर्टी सेकेंड में वो जो है अप और डाउन होगी ऊपर और नीचे होगी तो फाइव ट्वेंटी टाइम फाइव तो हम देखेंगे कि टोटल जो है ट्वेंटी सेकेंड में वो 100 हंड्रेड स्टेज चढ़ेगी तो 20 सेकेंड में वह 100 हंड्रेड स्टेज चढ़ेगी और 20 सेकेंड में वह जो है माइनस फोर्टी यानी 40 स्टेप नीचे उतरेगी तो टोटल 60 स्टेप पर पहुंचने में उसे 20 एंड 20 जो है उसे 40 सेकेंड है का टाइम लगेगा तो उसे 40 सेकेंड टाइम लगेगा तो ये हमने अच्छी तरह जो है अपने प्रीवियस वीडियो में समझा है सोल्व किया है तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है था अपना question, दिमागी कसरत के कुछ क्वेश्चन दिए हैं ब्रेन टीजर क्वेश्चन है उसमें भी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने समझा है अगले पिछले पीडियो में पिछले वीडियो में, में प्रीवियस वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन किया है तो एक बार ये भी देख लेते हैं हम कि किस प्रकार हमने जो है इसको सोल्व किया है तो इजी क्वेश्चन है कि राइट फाइव ऑफ ए एंड बी सच डेट ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू माइनस थ्री वन सच पेयर इज सिक्स माइनस फर्स्ट इंटेजर सिक्स एंड सेकेंड इज माइनस टू बी थ्री तो हमें ये जो है यहाँ पर पूर्णांक ए, ए और बी के लिए हमें यहाँ पर पांच जोड़े लिखे जैसे कि इसमें दिया है कि ए डिवाइड बाई बी टू तो माइनस थ्री ऐसी जोड़ी जैसे छ और दो है माइनस के माइनस टू क्योंकि सिक्स को टू से डिवाइड करने पर माइनस थ्री प्राप्त होते हैं तो ऐसे हमें फाइव पेयर्स लिखने हैं तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जो इंटीजर्स है फर्स्ट इंटेजर्स को सेकंड इंटेजर्स से डिवाइड करने पर माइनस थ्री हमें प्राप्त होने चाहिए तो ऐसे हमने कुछ पेयर्स यहाँ पर राइट किए हैं लिखे हैं तो फर्स्ट पेयर्स तो जैसे सिक्स वो माइनस टू से डिवाइड किए तो माइनस थ्री जो हमें प्राप्त हो रहा है एंड सेकंड पेयर फर्स्ट पेयर तो अपने इसमें जो है राइट करेंगे कि यह माइनस है फर्स्ट इंटेजर नेगेटिव होगा और सेकेंड पॉजिटिव ले लिया हमने कि -6 को 2 से डिवाइड करने पर -3 प्राप्त होते हैं इसी तरह अगला जो पेयर से -12 को 4 से डिवाइड किया तो -4 12 को 4 से डिवाइड करेंगे -3 इसी तरह जो तो पॉजिटिव 4 को नेगेटिव 4 से जो डिवाइड करेंगे तो -3 होगा तो इस प्रकार हमने जो है 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हमें लिखे हैं और भी आगे भी इसी टाइप से हम और भी आगे पेयर्स लिख सकते हैं तो ये इस प्रकार हमें कुछ यानी युग में लिखने थे इसमें नेक्स्ट अपना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें जो प्राइन टीचर का क्वेश्चन है हमें समझना होगा इसे तो रीड करते हैं फर्स्ट द टेम्परेचर एट ट्वेल्व नॉन वाज टेन डिग्री सेल्सियस अबउ जीरो टेम्परेचर मीनस होता है तापमान एट यानी पर ट्वेल्व नून यानी जो टी बारह दोपहर के नून जो है दोपहर के लिए यूज में आता है तो ट्वेल्व नून यानी दोपहर के बारह बजे वाज टेन डिग्री सेल्सियस यानी दस डिग्री सेल्सियस अब जीरो यानी कि अब जीरो यानी जीरो से जो है ऊपर या हम कह सकते हैं ज्यादा तो दोपहर बारह बजे तापमान शून्य से दस डिग्री सेल्सियस अधिक था ज्यादा था हम कह सकते हैं तो दोपहर बारह बजे तो हम इसका सॉल्यूशन तो करेंगे लेकिन सॉल्यूशन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि साथ साथ हम लिख लें कि ट्वेल्व क्लॉक है जो उसका टेम्परेचर कितना था वो भी हम राइट कर लें कि नून। एट ट्वेल्व नून 8, 12 noon, तो पर, तो यानी कि बजे बजे पर देखते हैं इसका जो था, वो कितना था? टेन डिग्री सेल्सियस था नेक्स्ट रीड करते हैं इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ टू डिग्री सेल्सियस पर सो so, यहाँ पर पर हावर मिड नाइट एट वट टाइम द टेम्परेचर बी ए डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो तो कह रहा है इफ़ यदि डिक्रीज डिक्रीज यानी कि कम हो रहा है एट द रेट ऑफ टू डिग्री सेल्सियस यानी दो डिग्री सेल्सियस पर हावर यानी एक घंटे के मिड नाइट मिड नाइट यानी रात आधी रात कह सकते हैं मिड नाइट यानी आधी रात एट तो मिड नाइट आधी रात यदि ये आधी रात तक दो डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घटता है डिक्रीज यानी घटना तो दो डिग्री जो है पर हावर तो पर हावर तो हम देख सकते हैं ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कितना हो रहा है पर हावर ये हम देख सकते हैं सो so, हम लिख सकते हैं वन हावर तो वन हावर में जो डिक्रीज हो रहा है तापमान वो हो रहा है टू डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है माइनस टू डिग्री एक घंटे में माइनस टू डिग्री सेल्सियस जो है कम हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ये बिलो जीरो बिलो यानी नीचे जीरो यानी शून्य से टेम्परेचर मीन्स तापमान वाट यानी क्या टाइम यानी समय तो इसमें तो किस समय तापमान आठ डिग्री सेल्सियस से नीचे शून्य होगा शून्य जो है आठ डिग्री सेल्सियस से शून्य होगा नेक्स्ट वुर एट मिडनाइट आधी रात को तापमान क्या होगा तो तापमान हमें पता करना आधी रात को क्या तापमान होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 बजे जो है दोपहर में 10 डिग्री तापमान था और एक घंटे में जो है टू डिग्री सेल्सियस जो है घट रहा है यानी दो डिग्री घट रहा है तो पॉजिटिव सकते हैं इसको दो डिग्री घट रहा है तो कितनी बजे हम ये कहेंगे टाइम पूछा गया किस टाइम है जो तापमान जीरो डिग्री से नीचे आठ डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना कि एक घंटे में देख सकते हैं दो डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो दो घंटे में कितना होगा हम देख सकते हैं तो दो घंटे में कितना होगा टू प्लस टू यानी कि चार डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा हमें लाना है बिलो 0 डिग्री से जो है 8 पर तो 8 पर आने में कितना टाइम लगेगा यानी दोपहर 12 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने घंटे में जो है 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचे जाएगा यानी हम देखते हैं इसमें तो तीन आवर में यानी तीन आवर तो तीन आवर यानी कि 12 दोपहर 12 बजे जो तापमान 10 डिग्री था तो एक घंटे में अगर दो डिग्री तापमान घटता है तो माइनस ए डिग्री तापमान किस टाइम होगा तो ये समय पूछा गया इसमें तो हम लिख सकते हैं कि एक बजे तो एक बजे तापमान दो डिग्री घटेगा फिर दो बजे यानी दूसरे हावर में यानी दो बजे तो दो प्लस दो यानी पर हावर टू डिग्री जो लेस हो, हो रहा है तो टोटल फोर डिग्री लेस होगा थ्री हावर यानी तीन बजे भी कह सकते हैं हम तापमान होगा टू प्लस टू प्लस टू, टू तो हम देखेंगे सिक्स डिग्री जो तापमान इसी तरह जो है फोर हम राइट कर सकते हैं कि चार बजे पाँच बजे और छ बजे तो इसी प्रकार हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि नाइन हावर में यानी कि नौ हावर बाद हम यह डिडेस्ट कर रहे हैं बाकी कि नौ हावर के बाद में तापमान नाइन इंटू टू यानि नाइन टू या एटीन डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा यानी अट्ठारह डिग्री कम हो जाएगा Osionfish. तो 18 डिग्री कम हो जाएगा तो 8 पे पहुंच जाएगा जीरो डिग्री पे क्योंकि जो है दोपहर 10 10 जो है डिग्री सेल्सियस था और जो है नाइन हावर बाद यानी नाइन हावर बाद 8 तो हम डिफरेंस देख सकते हैं इसका तो यहाँ पर देखेंगे जो है डिफरेंस तो डिफरेंस देखते हैं हम इसमें तो डिफरेंस देखेंगे तो टेन माइनस डिग्री तो हम देखेंगे जो है एट डिग्री

दो तीन चार नाइन हावर मीन कितने है? तो ट्वेल्व दोपहर के 12 में नाइन हावर एड करते हैं तो ये जो टाइम है एट डिग्री पहुंचने का वो है नाइन पी एम तो हम लिख सकते हैं नाइन पी एम तो हम लिख सकते हैं कि नौ बजे नाइन पीएम तो नाइन पीएम जो टेम्परेचर वो माइनस एट डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो तो हम लिख सकते हैं नाइन पीएम तो नाइन पी पे ये जो है टेम्परेचर नौ बजे यानी नौ बजे माइनस आठ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा नेक्स्ट इसमें जो है और भी पूछा आधी रात को तापमान क्या होगा विल बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट यानी आधी रात को तापमान क्या होगा तो आधी रात का तापमान हमें बताना है इसमें तो आधी रात का तापमान बताना है तो ये देखिए आप यहाँ पर नाइन हावर में से नौ बजे हो गए तो माइनस आठ डिग्री है तो यहाँ पर आधी रात को तापमान पूछा यानी रात मिड नाइट बारह बजे तो हम देख सकते हैं कि तापमान क्या होगा तो नाइन पीएम है टेन पीएम यानी टेन पी एम अगर दस बजे की बात करते हैं तो टेन पीएम जो है टेम्परेचर हम देखेंगे माइनस एट डिग्री में यदि हम फिर टू डिग्री जो लेस होगा तो जो टेम्परेचर वो पहुंच जाएगा अपने माइनस टेन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेन पी एम इलेवन पीएम देखेंगे हम 11 पी एम टेम्परेचर है तो 10 पी एम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस फिर माइनस टू डिग्री दो डिग्री कम हो रहा है तो टेम्परेचर माइनस ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस और फिर जो है 12 यानी यानी जो आधी रात को जो तापमान है हम देखेंगे माइनस ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस में जो है टू डिग्री सेल्सियस पर हावर कम हो रहा है तो टू एड और माइनस माइनस प्लस तो फोर्टीन डिग्री सेल्सियस तो हम कह सकते हैं कि में जो है वो माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इस प्रकार हमें इसमें ध्यान करना है कि क्या जो है इसमें टेम्परेचर हो गया तो इसमें पहले तो नाइन पी फर्स्ट का जो है सेकेंड यहां से जो हम स्टार्ट कर सकते हैं सेकेंड का जो सॉल्यूशन है 40 डिग्री माइनस के 40 डिग्री और जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो देखिए माइनस एट डिग्री वो कब होगा नाइन पी एम, यानी कि नौ बजे माइनस एट डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा और मिड रात को बारह बजे जो टेम्परेचर है वो माइनस फोर्टी डिग्री होगा नेक्स्ट है अपने इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड तो ब्रांड टीजर क्वेश्चन है समझना है एन एल डि Into a mine, at the rate of 6 meter per, per minute. So, इसमें जो शिफ्ट है, 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 है उसे कहा जाएगा तो माइन माइन मीन्स होता है जो अपने खान खादान होती है उसे साफ्ट साफ्ट मीन्स जो है जो मुलायम भी होता है इसमें साफ्ट में तो एक शिफ्ट के द्वारा तो के द्वारा या एक सिफ्ट से जो है मीटर प्रति मीटर मीटर जो है कह सकते हैं हम छ मीटर प्रति मिनट की दर से एक खान साफ्ट में जो है साफ्ट से उतरती है तो जो उसकी चाल है वो सिक्स मीटर प्रति मिनट से यानी एक मिनट में वो जो है सिक्स मीटर प्रति मिनट की दर से उतर रही है नेक्स्ट इफ द एलिवेटर स्टार्ट फ्रॉम टेन मीटर अब द ग्राउंड लेवल इफ यानी यदि एलिवेटर यानी शिफ्ट स्टार्ट यानी शुरू होती फ्रॉम यानी से टेन मीटर तो टेन मीटर यानी दस मीटर अब द ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल मीन्स होता है जो अपने जो जोधरातल है तो धरातल यानी जमीन का जो तय होती है जो मैदान की तय है उस सतह है उसके लेवल से 10 मीटर ऊपर से जो है लिफ्ट शुरू हो रही है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टू रीच -350 मीटर तो उसे minus -350 डिग्री -350 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा तो हम देखते हैं इसके अंदर कि एक जो ये ग्राउंड लेवल है हम कह सकते हैं ये जो है अपना कह सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल सो ग्राउंड लेवल हम देख सकते हैं इसमें जो ग्राउंड लेवल माना इसको कि हमने जो है लिफ्ट के अंदर जो ग्राउंड लेवल है वो ये है तो जो लिफ्ट है वो उससे टेन मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रही है यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ है यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये जो डिस्टेंस है वो है अपने टेन मीटर तो ये ग्राउंड लेवल से जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर है वो जा रही है तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है माइनस थ्री मीटर तो ये जो डिस्टेंस है तो हम देखेंगे इसमें तो हमें यहाँ पर जो है इसकी स्पीड दे रखी है तो स्पीड दे रखी है तो स्पीड इसमें दी हुई है अपने को क्वेश्चन में हम लिखेंगे स्पीड तो स्पीड इसमें दे रखी है 6 मीटर पर मिनट्स तो 6 मीटर पर मिनट्स के अकॉर्डिंग हमें इसमें स्पीड दे रखी है अब इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई तो so, हम देखेंगे कि ग्राउंड ग्राउंड लेवल है उससे 10 मीटर ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ग्राउंड लेवल से माइनस -350 मीटर नीचे जा रहे हैं तो टोटल जो डिस्टेंस है हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस है हम वो देखते हैं डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई तो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर तो ये हो गई अपने 10 मीटर ये और इसमें 10 मीटर ये हो गई और फिर जो है ग्राउंड लेवल से नीचे है 350 मीटर तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हो गई 360 मीटर तो 360 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई अब स्पीड दे रखी इसमें डिस्टेंस दे है और पूछा है इसमें हमें जो पूछ रहा है इसमें ये पूछ रहा है कि जो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू माइनस मीटर कि जो टाइम पूछ रहा है इतने कि 350 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा तो हमें जो है टाइम पूछा गया इसमें तो टाइम के लिए हम देखेंगे यहाँ स्पीड दे रखिये डिस्टेंस दे रखिए तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं तो टाइम इक्वल टू होता है अपने डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम राइट right कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी समय बराबर दूरी बटा चाल तो हम देखते हैं कि टाइम समय में फाइंड करना है तो जो इसमें डिस्टेंस है टोटल वो है 360 एंड जो स्पीड है वो सिक्स मीटर प्रति मिनट है तो हम देखेंगे मीटर है एंड नेक्स्ट यहाँ पर मीटर प्रति मिनट है तो यहाँ पे देखें मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और सिक्स को 360 हंड्रेड सिक्सटी को डिवाइड करेंगे सिक्स से तो डिवाइड करने पे आएंगे सिक्सटी और यहाँ पर जो अपने बच्चे हैं वो है मिनट्स तो मिनट्स में ये बचा हुआ है सिक्सटी मिनट्स कहें या तो हम कह सकते हैं 60 मिनट्स या हम 60 मिनट्स मीन्स होता है वन हावर यानी कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट भी कह सकते हैं वन हावर भी हम कह सकते हैं तो उसको जो टोटल टाइम लगा है जो लिफ्ट है उसको नीचे पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है वन हावर या 60 मीटर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे के जो क्वेश्चन अपने इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो सोल्व करेंगे आज का जो होमवर्क है अपने ब्रेन टीजर क्वेश्चन में वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमें होमवर्क में कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे